गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब आप लोग। जेडी की डिजिटल क्लासेस में आपका स्वागत है बेटा। टेंथ क्लास के बारे में जो ग्रामर पोर्शन है उसको हम पढ़ रहे थे, नरेशन चल रहा था। तो जो नेक्स्ट टॉपिक अब नरेशन में आता है, ए स्टेट ऑफ अफेयर्स स्टिल एग्जिस्ट्स। ए स्टेट ऑफ अफेयर्स इज स्टिल एग्जिस्ट्स, यानी इसमें क्या रूल बनता है, किस प्रकार से इसको पढ़ेंगे कि यदि रिपोर्टेड क्लास में, यानी यदि रिपोर्टेड क्लॉज, रिपोर्टेड क्लास क्या होता है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला भाग में गिवन सिचुएशन हो। गिवन सिचुएशन कौन सी है, ये वाली, जिसको हम क्या कहेंगे, ऐसी कार्य स्थिति जो अभी भी क्या है, विद्यमान है, कि ऐसी स्थिति या कार्य जो अभी भी विद्यमान है, विद्यमान यानी अभी भी एग्जिट करती है, ऐसे कोई मामला जो अभी भी विद्यमान है, ऐसी स्थिति, तो उसमें रिपोर्टेड कल उसमें क्या करना है, तो रिपोर्टिंग वर्ब के पास्ट टेंस में होने पर भी कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है, कोई चेंज नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल, रानू सैड वट एवर आरती डज इट, वट एवर आरती डज इट डिस्प्लीज, इट डिस्प्लीज इज मुकेश। तो वो तो तीनों टेंसों से रिलेटेड हो गए, तो कि रानू कहती है कि जो कुछ जो भी आरती करती है उसको, उससे मुकेश नाखुश होता है, डिस्प्लीज होता है। तो इसके अंदर कैसे बनेगा कि रानू सेड डैट, रानू सेड टोल्ड आएगा नहीं क्योंकि ट्यू नहीं लग रहा, डैट जो भी लिख रखा है उसको सेम लिख दीजिए, वाट एवर आरती, यानी अभी भी विद्यमान का मतलब क्या होता है, प्रेजेंट, जो कि आपको इससे पता लग रहा है और इससे पता लग रहा है। वॉट एवर आरती डज इट डिसप्लीज मुकेश, ठीक है, कोई चेंजेस नहीं होंगे। फिर है अर्जुन सैड इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट दैट वॉन्ट्स टू बिकम रिच, दैट वॉन्ट्स टू बिकम रिच बाई विनिंग लॉटरी, ठीक है, बाई विनिंग ए लॉटरी, कि जो पिताजी हैं वो चाहते हैं अमीर बनना एक लॉटरी के जीतने के माध्यम से, तो उनकी इच्छा हो गई है, वो कभी चेंज नहीं होती है, तो वो भी विद्यमान ही रहेगी, क्योंकि इच्छा जो है प्रेजेंट की इच्छा है तो वो प्रेजेंट में ही आएगी। सैड डैड डैड वॉन्ट्स टू बिकम रिच बाई
विनिंग ए लॉटरी, ठीक है, ये चेंज नहीं होगा। समझ में आ गया आपको? तो ये आपके, हाँ जी, क्या कंप्लीट कराया है मैंने अभी? मैंने आपको सिंपल सिंपल यानी असरेटिव वाले सेंटेंस कंप्लीट करा दिए हैं अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड रेगुलेशंस इन इट, कंप्लीट हो गए हैं। एग्जांपल्स केवल समझाने के लिए है, इसके अलग से प्रैक्टिस सेट आपको बताया जाएगा। जो नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट क्या आता है असरेटिव सेंटेंस के बाद, सिंपल सेंटेंस के बाद? इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस आएगा। क्या आएगा? इंटरोगेटिव सेंटेंस। इसमें किस प्रकार से, जैसे हम जानते हैं, एज वी नो डैट देयर आर टू टाइप्स इन इंटरोगेटिव सेंटेंस। फर्स्ट एज टू स्टार्ट विद हेल्पिंग वर्ब, टू स्टार्ट विद हेल्पिंग वर्ब, यानी हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले। सेकंड है टू स्टार्ट विद डब्ल्यू एच वर्ड, टू स्टार्ट विद डब्ल्यू एच वर्ड। अब ये किस में होंगे, इनकी पहचान होगी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर यदि है तो। इन भाई साहब की क्या पहचान है, जैसे राजेश सेड टू हीना डू यू टीच इंग्लिश डेली क्वेश्चन मार्क। तो डू यू टीच इंग्लिश डेली, तो ये हो गया आपके स्टार्ट विद हेल्पिंग वर्ब। ये देखो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है। अब इसका एग्जांपल देख, ये इसका एग्जांपल बाद में देखेंगे, पहले अपन हेल्पिंग वर्ब वाले जो सेंटेंस होते हैं डायरेक्ट या नरेशन के, उसको किस प्रकार से समझेंगे कि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है एंड में क्वेश्चन मार्क आता है। ये तो इसकी पहचान हो गई। अब सेड टू के स्थान पर आस्केड आएगा, क्या आएगा? आस्केड। इन्वर्टेड कॉमा स्टार्टिंग में इफ या वेदर से, आपको कनेक्टिव है, ये कनेक्टिव्स हैं ध्यान रखना जोड़ने के लिए, ये कनेक्टिव्स हैं। और जो सेकंड है कि रिपोर्टेड क्लॉज या स्पीच का सेंटेंस या वाक्य के का सेंटेंस, या दोबारा देखो, रिपोर्टेड क्लॉज या स्पीच के सेंटेंस को, जो कि किस में है, इंट्रोगेटिव में है, को सिंपल या असरेटिव, एक ही बात है। इसका मतलब सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट फुल स्टॉप में चेंज कर देंगे, ये इसका तरीका है। फिर है टेंस रिलेटेड चेंजेस, टेंस टाइम जो भी वर्ड्स हैं, टाइम्स टेंस का और टाइम वर्ड जो बताए थे, टाइम डिस्टेंस जैसे जो शब्द थे, रिलेटेड चेंजेस जो हैं वो सेम रहेंगे, यानी बदलेंगे नहीं। टेंस का तो आपको चेंज वैसे ही करना है, और प्रोनाउन
प्रोनाउंस चेंजेस हमेशा होते हैं, हमेशा होते हैं, वो से समान है, उसका टेंस से कोई लेना देना नहीं है प्रोनाउन। ये हम किसकी बात कर रहे हैं, वन टू थ्री अपॉन सन की, ये तो चेंज हो गई होगा। दोबारा समझ लो, सेड टू का आस्केड हो जाएगा या सेस टू का आस्क हो जाएगा और से टू का आस्क हो जाएगा, आस्क एंड आस्क हो जाएगा, ध्यान रखना। सेड टू का आस्केड हो जाएगा, सेस टू का आस्क हो जाएगा और से टू का आस्क हो जाएगा। अगर टू नहीं आता है तब भी आप आस्केड यूज़ करें, क्योंकि ये क्वेश्चन से रिलेटेड है, इंट्रोगेटिव सेंस में है। इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर जो कनेक्टिव यूज होगा वो वेदर या इफ होगा। रिपोर्टेड क्लोज या स्पीच यानी अंदर वाले भाग का जो सेंटेंस है उसको हम सिंपल और असर्टिव में यानी सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट और फुल स्टॉप लगाकर में बदल देंगे, चेंज कर देंगे। टेंस टाइम वर्ड्स रिलेटेड जो भी चेंजेस है अकॉर्डिंग टू द टेंस वो चेंज होते रहेंगे रूल के अनुसार। प्रोनाउन चेंजेस तो हमेशा ही होते हैं, वो कौन सा है, वन टू थ्री अपॉन सन वाला, ठीक है। तो ये आपके अभी हम हेल्पिंग ऑफ से रिलेटेड क्वेश्चंस को समझेंगे। देखिए किस प्रकार से हाँ जी, पहला क्वेश्चन है, पहला एग्जांपल है, रमेश सेड टू मीना डिड यू एक्सेप्ट द मनी क्वेश्चन मार्क। दूसरा, He said to her, Will you manage the situation clearly? Question mark. फिर I said to parents, are you going to visit the temple today? ठीक है, फिर सी सेज टू हेमंत इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट डज आई या डज या डू आई complete the work properly question mark। तो ये आपके कुछ examples हैं, इनको हम समझेंगे according to the helping verb से start होने वाले interrogative sentence के। दिखाई दे रहा होगा आपको। next आंसर्स स्टार्ट करते हैं। रमेश के स्थान पर रमेश आ जाएगा, सेड टू का आस्केड हो जाएगा। आस्केड क्यों हुआ, क्योंकि अंदर क्वेश्चन मार्क वाला यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। मीना वेदर या इफ का यूज़ करें, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है। अब इसको आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस को सिंपल में बदलना है। सिंपल का मतलब बताया था आपको, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट,
सब्जेक्ट क्या है? यू। यू सेकंड पर्सन है, किससे चेंज होगा? मीना से। शी। अब टेंस चेंज होगा या नहीं होगा, क्योंकि अंदर पास्ट है और बाहर तो पास्ट है इसलिए चेंज हो रहा है, तो सिंपल पास्ट का पास्ट परफेक्ट में बदल देंगे। शी हैड, थर्ड फॉर्म हो जाएगी एक्सेप्ट की, एक्सेप्टेड द मनी, ठीक है, और क्वेश्चन मार्क हट जाएगा, इन्वर्टेड कॉमा भी हट जाएगा। ही आस्केड, सेकंड देखो, ही आस्केड हर इफ, यू किसके लिए आया है? हर के लिए। ये सब्जेक्ट है यहाँ पे, तो हर का सब्जेक्ट भी शी होगा। विल शैल का वुड हो जाता है, और ये मॉडल वर्ब है, मॉडल हेल्पिंग वर्ब है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। मैनेज द सिचुएशन क्लियरली, क्वेश्चन मार्क हट जाएगा, फुल स्टॉप लगाएंगे। फिर आई आस्केड पेरेंट्स इफ, यू किसके लिए आया है? पेरेंट्स के लिए, यानी सेकंड पर्सन बाहर के ऑब्जेक्ट से बदलेंगे, ये प्लूरल है तो क्या आ जाएगा? दे। प्लूरल है ये, बहुवचन है इसलिए यू का दे होगा, वे। बाहर पास्ट है रिपोर्टिंग वर्ब, तो अंदर चेंज होगा, प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस है, पास्ट कंटिन्यू बदल जाएगा। वर्ब गोइंग टू, ये टू इन्फिनेटिव है इसलिए कोई चेंजेज नहीं होगा, सेम रहती है। द टेम्पल, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो टुडे का क्या हो जाएगा? डैट डे। समझ में आ गया? फिर शी आस्क्स हेमन, आस्क क्यों लगा? क्योंकि ये से टू का आस्क होता है, और ये प्रेजेंट टेंस में है, ये प्रेजेंट टेंस में, तो अंदर के टेंस में कोई चेंज नहीं होगा, बस सिंपल में बदलेंगे। इफ आई किसके लिए आया है? हेमंत के लिए, शी के लिए, यानी फर्स्ट पर्सन बाहर के, यानी रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार शी, ठीक है। अब डू तो आई के लिए आया था, कोई चेंज करेंगे नहीं। दोबारा देखो, शी आस्क हेमंत, यहाँ तक ठीक है, इफ तक समझ में आ गया। अब इसको सिंपल में बदलेंगे, सब्जेक्ट है आई, आई किससे बदलेगा? शी से, आ गया शी, तो हमको टेंस तो चेंज करना ही नहीं है, तो वर्ब लिखेंगे कंप्लीट। अब देखो भाई, ही शी इट नेम सिंगुलर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एसीएस आता है, और डू आई के साथ आता है। आप कहेंगे सर डू कहाँ गया? जब आपको टेंस पढ़ाया था तब हमने आपको तीन तरह के सेंटेंस समझाए थे, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, तो उस चीज़ को देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा इंट्रोगेटिव में डू कैसे लगाते हैं, और वैसे को सिंपल में बदलते हैं तो फिर हम वो डू क्यों नहीं लगाते हैं, क्योंकि डू आएगा ही नहीं यहाँ पर, मेन वर्ब ये परफॉर्म होगा। द वर्क प्रॉपरली, ठीक है, ये आपके सेंटेंसेस हो गए हैं एग्जांपल के माध्यम से हम समझ रहे हैं। फिर आप देखिए कुछ सेंटेंस और देखिए हेल्पिंग वर्ब के, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के कुछ सेंटेंस हम और देख लेते हैं। जैसे मोनो सेड टू वीना, डिड यू बाय ए टिकट ऑफ IPL? क्वेश्चन मार्क, इन्वर्टेड कॉमा बंद। हरीश सेड टू ममता, डू यू स्पेंड ऑल मनी इन ए डे?
क्वेश्चन मार्क, इन्वर्टेड कॉमा बंद। फिर देखिए, माई ब्रदर सेड टू योवर सिस्टर, इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, वर यू स्टडिंग हिस्ट्री यस्टरडे या फिर लास्ट डे। दैट डे आ गया क्वेश्चन मार्क, वर यू स्टडिंग हिस्ट्री दैट डे। चौथा देखिए, कोयल सेड टू मुकेश, कोयल सेड टू मुकेश, कैन आई हेल्प यू इन दिस मैटर, क्वेश्चन मार्क, इन्वर्टेड कॉमा बंद। देखिए जी, इसका आंसर कैसे बनेंगे, मोनू सेट टू का हो जाएगा आस्केड, वीना कनेक्टिव लगेगा इफ या वेदर में से कोई सा भी एक यूज करें, यू बाहर के ऑब्जेक्ट से सेकंड पर्सन है तो क्या लग जाएगा शी, पास्ट सिंपल पास्ट परफेक्ट में बदलते हैं तो हैड, बाई की थर्ड फॉर्म बॉट, ऑफ इट बाय ए टिकट ऑफ आईपीएल, ठीक है, हरीश आस्केड ममता कनेक्टिव लगेगा इफ, यू कौन है वापस से शी लग जाएगा। अब देखिए, प्रेजेंट सिंपल को पास सिंपल में यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म, स्पेंड की सेकंड फॉर्म आती है स्पेंड, सिंपल में बदलना है ना इनको भाई, सिंपल में बदलेंगे तो डू डिड तो आएगा ही नहीं, बाहर पास्ट है उसके अकॉर्डिंग बदल दो, प्रेजेंट सिंपल को पास सिंपल में ऑल मनी इन ए डे, ठीक है। नेक्स्ट क्या बनेगा, माई ब्रदर आस्केड योवर सिस्टर इफ आई पास कंटिन्यू को पास परफेक्ट कंटिन्यू बदलना है, योवर सिस्टर के लिए आ जाएगा शी, पास परफेक्ट कंटिन्यू क्या होता है हैड बीन प्लस वर्ग की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी जो दी हुई है बदलने की जरूरत नहीं है, हिस्ट्री, हिस्ट्री प्रॉपर नाउन है इसलिए एच कैपिटल, डेट डे का डेट डे रहेगा क्योंकि पहले से ही वो चेंज्ड है। फिर है देखो नेक्स्ट लास्ट, कोयल आस्केड मुकेश इफ आई किससे बदलेगा कोयल से, शी कैन का हो जाएगा कुड, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, इफ शी कुड हेल्प यू किसके लिए आया है मुकेश के लिए, लेकिन एज ए ऑब्जेक्ट मुकेश का क्या यूज होगा हिम, इन दिस का हो जाएगा डेट और होगा मैटर, ठीक है। तो ये आपके हेल्पिंग वर्ब से रिलेटेड, आई होप आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा, फिर भी कोई दिक्कत है तो आप मुझसे पर्सनली पूछ सकते हैं, ओके।